छिड़कते हुए जब दो बंदे आ रहे हैं लगातार, इनका आना जाना यहां से उस कॉर्नर तक जाना बना हुआ है, और ये देखिए छिड़काव करते हुए, और साथ ही जब मैं ये देख रहे, देखिए आप, ये है, ये ट्यूबवेल है जहां पर कि पानी आता है ट्यूबवेल से, ये देखिए आप। इसके बाद जब ये ट्यूबवेल निकल, देखिए यहाँ से हो गए, यहाँ से ट्यूबवेल का पानी आता ही हूँ, और ये है वो सीमेंट की बनी हुई, ये है एक नहर जैसा, ये पाइप सा बना हुआ गोल, पूरा मजबूत है, और इसके अंदर से पानी जाता है खेत में, और ये देखिए वहाँ से जाता है। और जहाँ तक मैं उत्तराखंड की बात करूँ, जब वहाँ पर सूख कर था, नहर बनी हुई, बिल्कुल पत्थर दबे पड़े, मिट्टी आ जाती है, तो यदि वहाँ पर सरकार इस तरीके से यदि लगा देती है, तो शायद ऐसी उम्मीद की जाती है किस तरीके से सीमेंट के बने बने मोटी पाइप यदि एक बार लगा दी जाएंगे, तो शायद सरकार को ये PWD, ये सिंचाई विभाग, इरिगेशन को बार बार नहर नहीं बनानी पड़ेगी, ये खरीद के वहाँ पर लगा देने चाहिए, मजबूत है और इसके अंदर से पानी बराबर जाएगा कई सालों तक। सरकार नहर के लिए बार बार प्रधान, क्षेत्र पंचायत, ये बार बार सरकार का हर साल एक एक नहर चार चार बार बनाती है, कोई सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं होता है, लेकिन इस तरीके से खरीदे जाते हैं, और ये विधि यदि वहाँ पर अपनाई जाती है हिमाचल में, उत्तराखंड में, हिल एरियाज में, तो शायद ये कामयाब हो सकती है, बार बार नहर को नहीं बनाना पड़ेगा। ये देखिए आप, बिल्कुल सीमेंट का बना हुआ, बिल्कुल। और मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आज खेती पर मेरी ये खास रिपोर्ट।